अच्छा जी, अब हम ये जो नेक्स्ट वीडियो इसका शुरू कर रहे हैं, या एक लॉग इन पैनल जो हम फिर से बनाने जा रहे हैं, ये लॉग इन पैनल होगा कि हम एक्चुअल में क्या करने जा रहे हैं कि अगर आपने देखा हो कि मल्टीपल यूजर्स एक ही आपके लॉग इन पेज से लॉग इन कर रहे हो, यानी अगर आपका कोई स्कूल मैनेजमेंट या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट है जहां पे मल्टीपल यूजर लॉग इन होते, तो उनको रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस या सिलेक्ट ऑप्शन पिन, वहां से आप सिलेक्ट करवाते हैं कि आप किस तरह के यूजर हैं। ठीक है जी, आप स्टूडेंट हैं, प्रिंसिपल हैं या आप टीचर हैं। सपोज स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए तो आपको पता है स्टूडेंट के लिए अलग से एक होम पेज होता है, टीचर के लिए अलग से एक उसका डैशबोर्ड होता है, और आपके प्रिंसिपल के लिए अलग से क्या होता है, डैशबोर्ड होता है। तो अब हम मल्टीपल डैशबोर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। एक होम पेज होगा यूजर का, यानी स्टूडेंट को बना देंगे इसके लिए, स्टूडेंट का, दूसरा होगा टीचर का, और तीसरा होगा प्रिंसिपल का। सही है बेटा, तो हम इस पे बात करेंगे। अब ये तीन तरह के होम पेज अलग होंगे, लेकिन ये लॉगिन करेंगे एक ही पेज से। अब ये सिर्फ ईमेल और पासवर्ड नहीं देंगे, नीचे एक हम यहां पे यूजर टाइप सिलेक्ट करने के लिए भी क्या रख देंगे, एक सिलेक्ट ऑप्शन पेन, जो हमारा इज अ कॉम्बो बॉक्स होता है जिससे आप सिलेक्ट करते हैं कि आप किस तरह के यूजर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं। सही है जी, चले डिजाइन को चेंज करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम इस पे काम कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक और इनपुट यहां पे ऐड कर देंगे। चले इसको आप देख लें, इसको हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं कि हमने ईमेल पासवर्ड यूजर से ली थी और उस पर लॉग इन करवाया था। अगर गलत ईमेल पासवर्ड है तो आपको बता देता था कि आपने गलत ईमेल पासवर्ड दिए। सही है, सेम पेज पे। अब हम बात करेंगे कि मल्टीपल यूजर्स को किस तरह से लॉग इन करवाएगा, तो इसी को यहां आते हैं और कॉपी कर लेते हैं ये लेबल, और इसको कहेंगे यूजर टाइप बताएं, सिलेक्ट यूजर टाइप कि आप किस तरह के यूजर हैं। सही है, और इसमें हम एक सिलेक्ट इसका नाम कुछ रख देते हैं इनपुट का, यानी इस आपके सिलेक्ट ऑप्शन पेन का या कॉम्बो बॉक्स का, मैं इसका रख देता हूं टाइप या यूजर टाइप, सही रहेगा यूजर टाइप। इसके अंदर आपको पता है ऑप्शंस होते हैं बेटा, क्या होते हैं ऑप्शंस, पहला मैं रख देता हूं प्रिंसिपल, ठीक है जी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, इंग्लिश माशाल्लाह मेरी। ओके, कॉपी दिस, पेस्ट दिस एंड पेस्ट दिस। उसके बाद हमने करना, अच्छा इसकी एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी होती है, तो वहां पे आपको वैल्यू देना लाजमी है कि आपको वो वैल्यू कौन सा है। तो एज इट इज प्रिंसिपल की स्पेलिंग कॉपी करके रखनी है, याद रहे स्पेलिंग की मिस्टेक बेशक हो, लेकिन जब कंपेयर करवा रहे हो तो यही वैल्यू होनी चाहिए। सही है, हाँ, टेक्स्ट स्टोर वैल्यू, यानी ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू है आप वो अलग रख सकते हैं, और यहां पे जो टेक्स्ट दिखाना है वो अलग रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर यहां पे आके आपने करना है कि ये टीचर के लिए होगा, तो इसको रख देते हैं टीचर, इसकी वैल्यू है जी स्टूडेंट, चलें जी ये प्रिंसिपल ऐसे हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पे आके क्लास अप्लाई कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल, कौन सा क्लियर है। अभी किस तरह से डिजाइन दिखेगी, यहां आ जाते हैं रिफ्रेश कर देते हैं, तो आपका सिलेक्ट यूजर टाइप भी आ रहा है। सही है, अब आपको ईमेल पासवर्ड के साथ साथ आप अपना बताएंगे कि आपका यूजर का टाइप कौन सा है। सही है, और आप अगर टाइप सिलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल तो उसकी ईमेल और पासवर्ड अलग होगी, टीचर तो उसकी ईमेल और पासवर्ड अलग होगी, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की ईमेल और पासवर्ड अलग होगी। इस पे काम करने जा रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि यहां से एक ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिजाइन बेहतर नजर आए, लाइक दिस। ओके जी, उसके बाद मुझे और दो पेजेस बनाने हैं, यूजर के लिए तो हम बना चुके थे, इस यूजर को रीनेम करके हम बना देते प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल, ठीक है जी, डॉट एच टी एम एल, इसी को मैं कॉपी कर देता हूं और एक दूसरा पेज इसके हेडिंग में रख देते हैं, हेलो प्रिंसिपल। सेव दिस, अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अदर पेज जिसका नाम रखेंगे टीचर, डॉट एच टी एम एल, इसके लिए ये पेस्ट कर देंगे और बिल्कुल टॉप पे आके हेलो टीचर कर देते हैं और उसके बाद एक और बना देते हैं, हमारा होगा स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल पेस्ट करते हैं और यहां पे आके हमने बता देना है कि आप जो है वो स्टूडेंट है, हेलो स्टूडेंट। सही है जी, तीन पेजेस बना दिए, प्रिंसिपल, स्टूडेंट और टीचर। अब आप लॉगिन पैनल से इन तीनों पेजेस पे जाएंगे। अगर आपने गलत ईमेल और पासवर्ड दिया तो आपको इसी पेज पे ही रहना है, आप आगे नहीं जा पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ये सिर्फ लॉजिकल समझाने के लिए कि आप किस तरह से काम करते हो रियल सिनेरियोस के अंदर जब आप डेटाबेसिस के साथ काम करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या करना है, अभी जो हम काम कर रहे थे दो इनपुट से वैल्यू ला रहे थे, उसी को ही कंपेयर करके होम पेज पे भेज रहे थे। अगर वो वैल्यूज गलत थी तो आपको सेम पेज पे एक अलर्ट दिखा रहे थे कि आपकी ईमेल और पासवर्ड गलत है। सो अब आपने तीसरा वेरिएबल भी, यानी आपने सिलेक्ट ऑप्शन पेन से भी वैल्यू गेट करनी है। आपने यहां पे एक वेरिएबल बनाना है यूजर टाइप का और इसकी आईडी क्या है, सिलेक्ट की, सिलेक्ट की आईडी आपकी जो है वो क्या है, नेम दिया हुआ है, मैं इसको आईडी बना देता हूं, कॉपी दिस, क्योंकि मैं इसको टारगेट आईडी के थ्रू कर रहा हूं ना बेटा, कि डॉक्यूमेंट में जाके गेट एलिमेंट करो बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, यूजर टाइप, उसकी क्या लेनी है, वैल्यू। समझ में आया? इसका मकसद ये हुआ, जिस तरह का आइटम या जिस तरह का यहां से लिस्ट से आप आइटम सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू, सपोज मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट किया ना, तो क्या होगा बेटा, जो आपने यहां पे ये स्टूडेंट दिया है उसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो इस तरह, यानी देखें तीन इनपुट है ना, एक इनपुट है ये जिसमें आप ईमेल देंगे, दूसरा कौन सा है, जिसमें आप पासवर्ड देंगे, अब तीसरे में से तीन वैल्यू है, कोई ना कोई एक सिलेक्ट होगी। ऐसा समझो पहले और दूसरे इनपुट में हम खुद वैल्यू लिखते हैं, तीसरे में लिखी हुई है सिलेक्टेड। हमसे क्लियर है? तो बस वही बात है, ठीक है जी। तो यहां पर यह वैल्यू एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट करोगे उसी की वैल्यू एट्रीब्यूट से यह वाली वैल्यू ली जाएगी। क्लियर है? और ये कौन लेगा, जो आपने नीचे डॉट वैल्यू वाला फंक्शन जावास्क्रिप्ट का यूज किया हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि आपका जो यूजर टाइप आईडी वाला एलिमेंट है उसको आप अगर सिलेक्ट करते हैं टीचर, तो उसकी टीचर वाली वैल्यू लेके किसको दे देगा, ये यूजर टाइप को दे देगा। अब मुझे क्या चेक करवाना है, ईमेल भी चेक करवानी है कि ईमेल आए, अब यूजर नहीं, अब ईमेल आनी चाहिए principal@gmail.com और यूजर का जो पासवर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए p123। ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रहे कि आपकी जो वैल्यू आप सिलेक्ट करवा रहे हैं वो भी तो चेक करवानी है। अब दो इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है हम, तीसरा इनपुट भी है, कौन सा वाला, एंड लगा के यहां पे, अब ये जो यूजर टाइप में वैल्यू आ रही है ये भी तो चेक करवानी है कि अगर यूजर टाइप भी बराबर हो किसके, जो आपके सिलेक्ट ऑप्शन पेन से वैल्यू सिलेक्ट करवाई जाए, यानी ये वाली वैल्यू। मैं समझाता हूं बेटा, शायद आपको ये पल्ले चीजें नहीं पड़ रही हो, डोंट वरी। पहले दो इनपुट्स की वैल्यू चेक होती थी, ईमेल की और पासवर्ड की, ऐसे ही था। अब तीसरी वैल्यू भी सिलेक्ट होगी कि आपने इसमें से क्या सिलेक्ट किया, कौन सा क्लियर है?
अगर आपने ईमेल दी हुई है। चले अच्छा जी ओके। अब हमने क्या करना है, अब तीन चीजें चेक करवानी है। पहले इनपुट से जो वैल्यू आ रही है ईमेल, दूसरे इनपुट से पासवर्ड, और तीसरे इनपुट से कि कौन सा यूजर टाइप आ रहा है। और हमने वो तीनों की वैल्यूज गेट करके कुछ वेरिएबल्स में स्टोर कर दी है। पहले इनपुट की वैल्यू ईमेल को, दूसरे की पासवर्ड के वेरिएबल को, और तीसरे की यूजर टाइप के वेरिएबल को। अच्छा जी, अब इसका मकसद ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल एट द रेट gmail.com आपने दी, पासवर्ड दिया p123, और आपका यूजर टाइप आपने सिलेक्ट किया प्रिंसिपल, तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे प्रिंसिपल के पेज पे। तो यानी principal.html के ऊपर आप चले जाएंगे। सिंपल सी बात। अच्छा, अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया और यूजर ईमेल और पासवर्ड कुछ और दिया, तो आपको यहां पे अब फिर से, आपको पता है मल्टीपल चेक के लिए हम क्या लगाते हैं, एल्स इफ लगाते हैं। कौन से क्लियर है? तो एल्स इफ कैसे लगाएंगे, चले मैं लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाए। एल्स इफ यानी फिर से चेक करो, अगर आप प्रिंसिपल के थ्रू लॉगिन नहीं करना चाहते, शायद आप टीचर के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हो, तो मैं यहां पे आके कहूंगा अगर आपकी यूजर की ईमेल बराबर है teacher@gmail.com के, और आपका पासवर्ड जो होगा वो है इक्वल इक्वल अगर हो किसके, t123 के, teacher123, और यूजर का टाइप क्या होगा, अगर यूजर का टाइप बराबर है किसके बेटा, टीचर के, तो आप कहां जाएंगे, टीचर के होम पेज। कॉन्सेप्ट के लिए जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, कहां जाएंगे बेटा आप जाएंगे teacher.html के पेज पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी, ये इस तरह से था। ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसकी आपने चीजें दे दी हैं। अच्छा जी, कोई ब्रैकेट मिसिंग है, एंड ऑपरेटर नहीं लिया हमने यहां पे, दूसरा एंड भी तो देना है ना। इस तरह से, इसी तरह से आपने चेक करवाना है ये एल्स इफ किसके लिए बेटा, स्टूडेंट के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं कि अगर ईमेल बराबर हो student@gmail.com के, पासवर्ड बराबर हो s123 के, और आपका यूजर टाइप कौन सा सिलेक्टेड हो, सिर्फ स्टूडेंट, तो आपको कहां भेजा जाए, स्टूडेंट के पेज पे। अच्छा, अगर आपने ये तीनों सिलेक्ट नहीं किए तो आपको कहां भेजा जाएगा, सेम पेज पे, और आपकी वो एल्स चलेगी। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, मैं इसकी कोडिंग को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं, डिजाइन थोड़ा सही हो जाए। सही है जी, इस तरह से। अब देखिए सिंपल सी लॉजिक है, बटन पे क्लिक करेंगे तो तीन इनपुट से जो भी वैल्यू आ रही है वो चेक हो रही है। कौन से इनपुट, ईमेल, पासवर्ड, यूजर टाइप। सही है। अब ईमेल में अगर आया principal@gmail.com, पासवर्ड आया p123, और यूजर का टाइप आया कौन सा, प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल के पेज पे जाएंगे। उन्हीं तीनों इनपुट से अगेन कोई और वैल्यू आती इन द फॉर्म ऑफ कौन से, टीचर के, कि आपका ईमेल है teacher@gmail.com, पासवर्ड है t123, और आपका यूजर का टाइप क्या है, टीचर है, तो आप टीचर के पेज पे जाएंगे। अगर आपकी ईमेल है student@gmail.com के, पासवर्ड है s123, और यूजर टाइप है स्टूडेंट, तो आप कहां जाएंगे, स्टूडेंट के पेज पे। अदरवाइज जो भी ईमेल, जो भी गलत पासवर्ड, जो भी यूजर टाइप आपने दिया, आपको बोला जाएगा आपने गलत ईमेल पासवर्ड दिया। सही है जी। सेव करते हैं, यहां आते हैं और आके इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसको गलत ईमेल देता हूं, ali@gmail.com, पासवर्ड 123, और यूजर टाइप प्रिंसिपल, तो आपको क्या बता रहा है, यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। सही है। अब यहां आते हैं, इसको सही वाली ईमेल देते हैं, principal@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं, इसका क्या था, p123, और यूजर टाइप क्या सिलेक्ट किया मैंने, प्रिंसिपल,
तो आपको कहां लेके आएगा? प्रिंसिपल के पेज पे, सही है? और हर पेज पे एक लॉग आउट भी दे देते हैं, अभी एंकर ही बना देंगे, प्रिंसिपल पे आते हैं, इसको बाद में काम करेंगे इस पे, लेकिन अभी सिर्फ लॉग आउट का यहां पे दे देते हैं। तो यहां पे आके एक इसी पैराग्राफ के अंदर मैं एक रो बना देता हूं, इसके अंदर एक कॉलम बना देते हैं, कॉल एमडी होगा ये 10 कॉलम का, और इस पे मैं चले इसका होगा ये 2 कॉलम का, ऑफसेट ज्यादा लगा देते हैं 10 कॉलम का। इसके अंदर मैं एक एंकर बना रहा हूं हाइपर रेफरेंस, और ये एंकर होगा कहां जाएगा? लॉगिन डॉट एचटीएमएल के ऊपर, और इसका नाम क्या रखेंगे? लॉग आउट। इस पे क्लास बटन बना देते हैं बीटीएन, बीटीएन कौन सा होगा? ये कर देते हैं प्राइमरी, सेव दिस, आपको ये इस तरह से नजर आएगा, देख रहे हैं? लॉग आउट, सही है। और मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूं ताकि ढंग का नजर आए, कट दिस, कंटेनर से भी ऊपर, सेव दिस, हियर यू गो, सही है। और ये हर पेज पे रख देते हैं, टीचर के पास भी रख देते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास भी लॉग आउट दिखे, और स्टूडेंट के पास भी लॉग आउट दिखे। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद यहां आता है, अब देखिए मैं लॉग आउट करूंगा तो कहां आ जाऊंगा? वापस लॉगिन पेज पे। अब मैं दूसरे जो आपके जो है वो क्या है, teacher@gmail.com, ये भी यूजर है, और इसको पासवर्ड देते हैं t123, और आपने यहां से क्या सिलेक्ट करना है? टीचर, तो आप कहां जाएंगे? टीचर के पेज पे, सही है। उसके बाद में लॉग आउट करते हैं तो कहां जाएंगे? फिर से लॉगिन पैनल के पास। अभी हम किसको दे रहे हैं? student@gmail.com, और पासवर्ड क्या था इसका? s123, और हम सिलेक्ट करेंगे यूजर टाइप स्टूडेंट। कहां जाएंगे अब? स्टूडेंट के पेज पे। तो एक ही यूजर पैनल से अब मल्टीपल जो है वो क्या कर रहे हैं यूजर्स को, या उनके डैशबोर्ड्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? लॉग इन कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप लॉग आउट करके वापस यहां आ रहे हैं। अभी तो ये एंकर्स के थ्रू काम हो रहा है लॉग आउट का, इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सेशंस, लोकल स्टोरेज और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, उसके बाद इसको इसमें यूज करेंगे विथ जावास, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ चीजें अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूजर्स और सिंगल यूजर के लिए लॉग इन पैनल पे काम किया।